नेक्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज मिली है, एक 1086 लेकिन फर्स्ट प्रॉब्लम, इसमें आपको मेंशन किया है तो कंक्री क्राफ्ट लिमिटेड इशूड 1,08,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो कंपनी ने इशू किए हैं, कंपनी है ये इशूड किसी 1,08,000 डिबेंचर से ऑफ रुपीज 100 ईच आप इशू कर रहे हैं। एक जो प्रीमियम ऑफ 5% पेबल फुली ऑन एप्लीकेशन, और फुल अमाउंट आपको मिलेगा पेबल फुली ऑन एप्लीकेशन। एंड जो रिडीमेबल एट ए प्रीमियम, और ये आपको रिडीम करने हैं एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 10। आपको मिल रहा है आपको 5% प्रीमियम, रिडीम रिडेम्पशन टाइम आपको 10%, 10 रुपये देना है। तो आपको एंट्रीज पास करनी है इशू के टाइम। तो पहले को आपको एप्लीकेशन मनी मिलेगी, उसकी एंट्री कर दीजिए आप बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो वो 1,00,000 डिबेंचर हैं आपके, और आपको मिलेंगे 100 रुपये का डिबेंचर प्रीमियम इशू किया 5%, 105, इट मीन्स 105 लाख। अब डिबेंचर को लोड कर दीजिए, एंट्री बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन। तो अकाउंट डेबिटेड, अब आपने उसको तो प्रीमियम भी पे करना है रिडेम्पशन, वो आपका लॉस माना जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू अबर 1% डिबेंचर अकाउंट, ये आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी। फिर जो प्रीमियम आपको रिसीव हो रहा है, जिसे जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसको आप डालिए सिक्योरिटी प्रीमियम में। फिर जो आपको प्रीमियम पे करना है रिडेम्पशन के टाइम, जिसे जो टू रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट, रिडेम्पशन प्रीमियम जिसे कितने डिबेंचर हैं, 1,00,000 डिबेंचर 100 के, 100 लाख के कोई डिबेंचर इशू हो गए आपके, बैंक में आपके पास जो एप्लीकेशन मनी का अमाउंट है वो है आपका जिसे जो 105 लाख, जिसमें 5% प्रीमियम आपको रिसीव हो रहा है, जैसे जो 5 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। 10 लाख आपने प्रीमियम पे करना है रिडेम्पशन के टाइम, तो 10 लाख जो पे करना है वो आपका लॉस आ जाएगा इशू के टाइम। इस तरीके से ये आपकी वो एंट्रीज पास हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर सेकंड, उसमें भी है कंपनी इशू 20 लाख 10% डिबेंचर ऑफ 50 ईच। हम 20 लाख डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 20 लाख डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स हैं ऑफ रुपीज 50 ईच, 50 रुपये का डिबेंचर है। सो एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम पर हम इशू कर रहे हैं, पेबल एज, तो पेबल एज रुपीज 20 ऑन एप्लीकेशन, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, जो बैलेंस आपका रह जाएगा दैट इज ऑन अलॉटमेंट। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार आफ्टर 6 ईयर्स, तो ये रिडीम होंगे आपके एट पार
आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद उसमें इशू हो रहे हैं प्रीमियम, और पैर पे रिडीम होंगे, कोई लॉस नहीं है इशू के टाइम। सो ऑल मनी ड्यू द लोकल बाय कॉल ग्रुप एंग्रीसी पास एंट्री एंड प्रीमियम मनी। प्रीमियम आपके इंक्लूड है लोकल में, पहले से लोकल इंक्लूडिंग हो प्रीमियम। तो आपको एंट्रीज रिपोर्ट करनी है इशू की। फर्स्ट जो है बैंक, वो डिबेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन है आपकी 20 लाख इनटू 20 400 लाख रुपीज कर रखे हैं लैक्स में, रुपीज इन लैक्स। इसको ट्रांसफर कर दीजिए आप डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर अकाउंट 10% जो डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर आपके अलॉट हो जाएंगे 400 लाख। फिर आपकी अलॉटमेंट भी हो जाएगी प्रीमियम के साथ, बैलेंस आ गया 50 माइनस 20 30, और 10% 5 रुपये प्रीमियम 35। तो एंट्री बन जाएगी आपकी डिबेंचर अलॉटमेंट, टू डिबेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। उस डिबेंचर में जाएगा आपका 30 रुपीज, 30 × 20 600 लाख, 5 रुपये आपके हैं प्रीमियम के 100 लाख, अलॉटमेंट होगी टोटल व्यू आपकी 700। बस फिर ये आपको रिसीव हो जाएगी, तो आप एंट्री कर दीजिए बैंक अकाउंट जाके के वो डिबेंचर अलॉटमेंट 700 लीजिए ड्यूली रिसीव। और इसमें क्योंकि रिडीम होंगे आपके पार के, कोई लॉस नहीं है। लेकिन सी प्रॉब्लम नंबर थर्ड, इसमें मेंशन किया है तो कपिल लिमिटेड इशू 50,000 12% डिबेंचर्स, तो कंपनी ने इशू किए हैं 50,000 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%, एट 10% ऑफ प्रीमियम टेबल, तो फुल ऑन एप्लीकेशन, तो फुल अमाउंट आपको पे करना है एप्लीकेशन के ऊपर। एंड इशू इज फुली सब्सक्राइब, तो जिसे जो एप्लीकेशन ऑन 1 मार्च, तो 1 मार्च को आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। अलॉटमेंट जो मेड, अलॉटमेंट मेड ऑन जिस मनी के 9th मार्च, सो पास अकाउंट की एंट्री फॉर इशू। तो सिंपल केस है आपका इशू की, जिसे जो 1 मार्च वो पहले हम एंट्री डाल देंगे बैंक अकाउंट डेबिट के टू डिबेंचर एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन ही हाउ मच 50,000 × 100 प्लस 10% प्रीमियम, जैसे कि 110, तो फुल अमाउंट आपको मिल रहा है एप्लीकेशन के ऊपर, जिस में भी 55 लाख। अब आपने अलॉटमेंट कर दी 1 मार्च को, 9th मार्च, तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर दी थी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट
12% डिबेंचर अकाउंट, और जो प्रीमियम है वो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। जैसे जो 55 लाख, उसमें से आप देखिए कितना जाएगा, 50 × 100, 50 लाख आपका जाएगा डिबेंचर में, 5 लाख जाएगा आपका प्रीमियम में, बचेगा 10%। और रिडीम होंगे पार के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो उसमें कोई लॉस नहीं है हमारा। फिर एक उसमें लास्ट क्वेश्चन है नंबर 4, इट इज गिवन गेट ऑन 1 अप्रैल, किसी गिवन ऑन 1 अप्रैल, तो कंपनी इशूड दिस इज 2017, तो कंपनी इशूड सो 1,12,000 डिबेंचर्स, 1,12,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ये आपने इशू किए हैं एट 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट के ऊपर रीडीमेबल, सो ऑन 31 मार्च 2022, तो अप्रैल में इशू हो रहे हैं, मार्च में रिडीम हो गए, 22 है 17 है 5 साल के बाद। सो इशू हुआ जो ओवर सब्सक्राइब, तो ये जो इशू था आपका ओवर सब्सक्राइब हो गया है, मीन्स एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई है, बाई 20,000 डिबेंचर्स इशू किए थे आपने 1 लाख, एप्लीकेशन आ रही है 1,20,000 डिबेंचर्स की, हु वर रिफंडेड योर मनी, तो उनको हमने रिफंड कर दी मनी, हु वर रिफंडेड द मनी, इंटरेस्ट पेबल करना है आपने एनुअली, इंटरेस्ट पेबल एनुअली, तो आपको एंट्रीज पास करनी है फॉर 5 ईयर इंटरनल लाइफ, 5 साल की लाइफ है। तो पहले देखें देखो, फर्स्ट ईयर है आपका 2017 to 2018, उसमें अप्रैल 1 को आपकी एंट्री आ जाएगी इशू की, जिसे जो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अकाउंट देखो कितनी मनी मिलेगी, 1,20,000 के डिबेंचर की एप्लीकेशन आई है, 100 के इशू किया है 5% डिस्काउंट के ऊपर, इसमें 95 रुपीज के अकॉर्डिंगली, और देखो रिडीमेबल हैं आपके पार के ऊपर, जिसे जो 1,20,000 × 95, 114 लाख, अब इसकी अलॉटमेंट कर रहे हैं डायरेक्टली डिबेंचर एप्लीकेशन, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर अकाउंट, 12% टू डिबेंचर अकाउंट टू, कुछ पैसा आपने रिफंड करना है टू बैंक अकाउंट, तो 20,000 के ऊपर जो 95 रुपीज मिले हैं वो आप रिफंड कर दीजिए उनको, 95 तो 19 लाख, डिबेंचर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा आपका 1 लाख डिबेंचर 100 लाख, इसका डिस्काउंट आएगा आपका 5%, 5 लाख, 114 वो थी आपकी एप्लीकेशन मनी, 114 लाख। फिर आपको ये भी मेंशन किया है इसमें कि जो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो पेड एनुअली, पेबल एनुअली एंड जो टीडीएस इज, उस पर टीडीएस ही है आपका 10%,
तो आपका साल का एंड आ जाएगा 31 मार्च को। तो आपने देखो इंटरेस्ट पे करना है, तो पहली एंट्री बन जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट, टू टीडीएस पेबल, देन टू डिबेंचर होल्डर। तो देखो कितना इंटरेस्ट है, 12%, 12 लाख का आपका हो गया इंटरेस्ट, 100 लाख के ऊपर, जिसे 12 लाख, उसका टीडीएस है 10%, 1,20,000, जिसे 1,080 आपको पेमेंट करनी है डिबेंचर होल्डर को। पेमेंट हो जाएगी टीडीएस पेबल डिबेंचर होल्डर टू बैंक, टीडीएस है जो 1,20,000 से 1,080, टोटल पेमेंट है आपकी 12 लाख। अब डिबेंचर जो को आपने रिडीम करने हैं 5 साल के बाद, रिडीमेबल ऑन 31 मार्च, तो जो डिस्काउंट आ रहा है आपका ये इक्वली राइट ऑफ हो जाएगा, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ पर एनम, जिसे ये 5 लाख है आपका, 5 साल की लाइफ है, तो 1 लाख का डिस्काउंट भी आप राइट ऑफ कर दीजिए। देखो उसकी एंट्री बनेगी इसी डेट को, चल रही है आपकी, उसको पी एंड एल में राइट ऑफ कर दिए, तो डिस्काउंट को बैंक के अकाउंट कितना डिस्काउंट है आपका, 1 लाख। तो फर्जर जो आपने इंटरेस्ट डेबिट किया डिबेंचर इंटरेस्ट 12 लाख, वो भी पीएनएल में ट्रांसफर कर दीजिए, टू डिबेंचर इंटरेस्ट देखिए जो 12 लाख, और 13 लाख आपका पीएनएल में जाए। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने लेजर भी पूछे हैं, तो आपको दो लेजर बनाने हैं, डिस्काउंट को डिबेंचर और इंटरेस्ट को अकाउंट एंड डिबेंचर हो गया अकाउंट, तो बनाते हैं ये पहले डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर आपका सिंपल है, देखो तो पहली एंट्री कब इशू किए हैं डिबेंचर आपने, तो अप्रैल 1, 2017 में एंट्री बन गई बैंक टू डिस्काउंट टू डिबेंचर अकाउंट, इसी जो डिबेंचर हैं आपके 12% डिबेंचर अकाउंट, तो 5 लाख के हमारा डिस्काउंट का हो गया। फिर हर साल आपने इसको इक्वली राइट ऑफ करना है 1-1 लाख, तो 25 मार्च को आप एंट्री कर दीजिए, मार्च 31 पहले 2017 में, तो वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा पी एन एल में 1 लाख, बाकी रह गया बैलेंस, बैलेंस होगी 4 लाख, तो ये टोटल आपका सेम आ गया फर्स्ट ईयर, ऐसे आपको करना है नेक्स्ट ईयर, ये बन गई 2018 में, यानी कि अप्रैल 1, 2018 टू बैलेंस ब्रोक डाउन, आपका 4 लाख का बैलेंस आ गया ब्रोक डाउन, उसमें जो फिर 31 मार्च 2019 को ट्रांसफर हो जाएगा पी एन एल में 1 लाख, और बैलेंस रह जाएगा आपका 3 लाख। इसी तरीके से चलता रहेगा, नेक्स्ट टाइम बैलेंस आ जाएगा आपका 3 लाख, पी एन एल में चला जाएगा 1 लाख का, बैलेंस आ जाएगा आपका 2 लाख, ये हो गया 3 लाख, फिर बैलेंस रह गया आपका 2 लाख, यानी कि बाय पी एन एल एंड बाय सी बी, इसमें भी पी एन एल ने 1 लाख, और 1 लाख का रह गया बैलेंस, जैसे ये बाई पी एन एल बाई सी डी, फिर आपका लास्ट ईयर में बैलेंस आ जाएगा बी डी 1 लाख का, और ये चला जाएगा आपका पी एन एल 1 लाख, इस तरीके से ये अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा। तो हर साल आप ऐसे चला के रहिए इंक्रीज,
जैसे ये अप्रैल 1 पूट हो जाएंगे 19 को, जैसे ये अप्रैल 1 पूट हो जाएंगे 20, देन अप्रैल 1 पूट हो जाएंगे 21, टू बैलेंस ब्रोक डाउन, टू बैलेंस ब्रोक डाउन, एंड जैसे जो 2020 में हो जाएगी एंट्री, 2021 में हो गई, 2022 में, उस तरीके से ये अकाउंट आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे इन्होंने पूछा वो डिबेंचर के इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ये हम साल के अंदर पे करेंगे, जैसे 2018 है मार्च 31 को एंट्री होगी आपकी डिबेंचर इंटरेस्ट, टू TDS पेबल, टू डिबेंचर होल्डर, तो हाउ मच इज योर टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट, आपने देखो कितना निकाला है, 12 लाख के ऊपर है आपका 12%, तो जैसे 1,20,000, जैसे जो 100 लाख के ऊपर 12%, जैसे 12 लाख, और TDS है आपका 1,20,000 एंड 10,80,000, फिर आपने डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया PML में 31 मार्च को बाई PML, फुल अमाउंट दीजिए 12 लाख, ये एंट्री आपकी हर साल चलती रहेगी, 2018 में भी जब यही आएगी 19, 20, 21, 22 एवरी ईयर, ठीक है जी। अगले साल फिर आप यही एंट्री करिए और PML में ट्रांसफर करिए। ऐसे ही उन्होंने पूछा है डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये भी ऐसे ही आ जाएगा, इसमें हम शो कर रहे हैं ना डिबेंचर होल्डर को पहले इंटरेस्ट ड्यू हो रहे हैं, जैसे 2018 में आप कर रहे हैं मार्च 31 को बाई डिबेंचर इंटरेस्ट, जैसे 10,80, फिर इसकी पेमेंट हो जाएगी 2018 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 10,80, तो यही हर साल आपकी एंट्री चलती रहेगी एवरी 5 ईयर्स सेम। ये हमने जिससे जितनी भी प्रॉब्लम थी कोविड जिस इशू के बैंक के लिए कंप्लीट, थैंक यू।